जेल जाने से बचने के लिए केरल के सीएम ने भाजपा से समझौता कर लिया। राहुल के बाद प्रियंका भी भड़की। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का प्रचार शोर जब थम चुका है और 26 अप्रैल को केरल के वायनाड समेत 88 सीटों पर वोटिंग की जानी है। इंडिया गठबंधन में दोस्ती की गांठ पर एक बार फिर ढीली नजर आ रही है। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी केरल सीएम पिनाराई विजयन पर भड़की हुई है। सीपीआईएम समर्थक निर्दलीय विधायक ने राहुल गांधी के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। जवाब में प्रियंका ने दावा किया कि केरल के सीएम जेल जाने से बचने के लिए भाजपा के साथ समझौता कर चुके हैं। उन्होंने अपने भाई और वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के उस बयान का भी समर्थन किया कि तमाम घोटालों में नाम सामने आने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार विजयन के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी पर लगातार निशाना साधने को लेकर पिनाराई विजयन पर तीखा हमला बोला। केरल में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार बुधवार को थम गया है। केरल में प्रचार के अंतिम दिन प्रियंका ने आरोप लगाया कि माकपा के दिग्गज नेता का नाम कई घोटालों में सामने आया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने वायनाड लोकसभा सीट पर आयोजित नुक्कड़ सभा में आरोप लगाए, यहाँ तक कि केरल के मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी पर ही हमला बोलते हैं। वह भाजपा पर हमला नहीं करते, जब कोई व्यक्ति सही के लिए लड़ता है तो सारी बुरी ताकतें उसके खिलाफ इकट्ठी हो जाती हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार ने कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाल में विजयन ने अपनी चुनावी रैलियों के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA सहित कई मुद्दों पर राहुल की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी इस विवादास्पद कानून पर चुप्पी साध रहे थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की ये टिप्पणी LDF समर्थक विधायक PV अनवर के उस बयान के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का DNA टेस्ट किया जाना चाहिए। क्या वाकई वो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।